सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय और एक न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि एक सब्सक्राइबर भाई मेरे ने सवाल पूछा है कि भाई सिंगल रोड पे आप कितनी स्पीड में गाड़ी चला सकते हो और कैसा जजमेंट होना चाहिए, क्या लोकेशन होनी चाहिए, उसके बारे में मुझे बताइए और वीडियो एक बनाइए। तो गाइस, आज मैं इसी टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि सिंगल रोड पे हम आराम से कितनी स्पीड में हम अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। तो गाइस, आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। सो गाइस, हम रोड पे चल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमारी सिंगल रोड है, सामने से भी गाड़ी आ रही है, मैं भी यहाँ पे अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। अब यहाँ पे गाइस मेरा थर्ड गियर पड़ा हुआ है, स्पीड मतलब सम 40 माइनस है और अभी आप देख रहे हैं सिंगल रोड पे कितनी सही तरीके से जजमेंट लेते हुए अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। अब यहाँ पे गाइस मैंने क्लच दबाया और चौथा गियर डाला और 40 के आसपास स्पीड है। तो गाइस, आपको गाड़ी जब चलानी हो सिंगल रोड पे या थोड़ा स्पीड में तो आप कैसे जज करेंगे? देखिए गाइस, हमको अपने मिडिल का पहला जो सही तरीका होता है, जो हमारा मिडिल है मेरा, जैसे राइट वाला ये मिडिल है मैंने अपनी गाड़ी में जज करके लगाया और लेफ्ट वाला ये वाला जैसे कि हमने मिडिल अपनी गाड़ी में जज करके लगाया हुआ है। तो गाइस, जब हमें सही तरीके से पता हो जाता है कि हमारा मिडिल पॉइंट कहाँ पे है, अब यहाँ पे गाइस देख रहे हैं आप, मैंने अपने जजमेंट लेते हुए आराम से गाड़ी को निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये सामने से बाइक निकल गई, अब ये अभी फोर व्हीलर आ रही है उसका भी मुझे जज करते हुए ये देखिए, ये बहुत सही तरीके। जब हमें गाइस अपनी गाड़ी का जजमेंट सही मालूम होता है, हम जब लगा लेते हैं तो हम अपनी गाड़ी को बहुत सही तरीके से निकाल लेते हैं। गाइस देखिए, गाड़ी भगाने का सिस्टम नहीं होता है, गाड़ी को कंट्रोल करना एक आना चाहिए आपको, जो कि आप अपनी गाड़ी सही तरीके से तभी चला पाएंगे। यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं कि जो सिंगल रोड है उस पे हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली चीज तो गाइस, आपको सामने वाले बंदे को देखना है कि सामने वाली गाड़ी में कितना जजमेंट मिल रहा है कि हमारी गाड़ी निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी। उसके बाद अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने अपना मिडिल पॉइंट सही तरीके से जज किया और आराम से अपनी गाड़ी को मैंने निकाल लिया। क्योंकि गाइस, जब हम तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि क्या लोकेशन क्या जजमेंट हो रखे तो हम गाड़ी अपनी निकाल दें, क्योंकि नए बिगनर के साथ अधिकांश ये होता है। तो आप पहले जब भी गाड़ी चलाना सीखें तो अपना एक गाड़ी में मिडिल पॉइंट लगा लें, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी गाड़ी को चलाएं। अब यहाँ पे गाइस देख रहे हैं आप, ये लेफ्ट साइड से ये भाई साहब खड़े थे, ये निकल गए। अब यहाँ पे मैं स्पीड जो है मेरी लमसम 25 के आसपास है और आराम से मैं, अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाला मैंने जज किया अपना मिडिल वाला पॉइंट, यहाँ पे ये वाला राइट वाला, और आराम से जज करते हुए मैं अपनी गाड़ी को निकाल लूंगा। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा मिडिल पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सामने वाली गाड़ी आ रही, ये देखिए ये कितना आसानी से निकल गई। तो गाइस, जब हमें सही तरीके से पता हो जाता है कि हमारा मिडिल पॉइंट क्या है और कैसे हमें गाड़ी चलानी है तो हम स्पीड अपनी जितनी रखेंगे जितनी हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लेंगे। अब यहाँ राइट वाली गाड़ी है, ये निकल गई। जैसे कि सही तरीके जब हमें पता हो जाता है कि हमारे लोकेशन क्या, अब यहाँ पे राइट साइड से गाड़ी एक और है, ये निकल गई, तो हमें पता है ना लोकेशन हमारी कहाँ पे है, जिस जगह पे है हमारा अभी लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, अब यहाँ पे ये गाड़ी ऐसे करके ये खड़ी हुई है, ये निकल गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा लोकेशन कहाँ पे है, टायर कहाँ पे है, कहाँ पे गाड़ी हमारी जा रही है, कितनी रोड पे है। तो ये जब हमें सारी चीजें पता हो जाती हैं तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होती गाड़ी चलाने में, चाहे वो सिंगल रोड हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो ट्रैफिक वाला एरिया हो, अब वो सही तरीके से अपनी गाड़ी को निकाल ले जाते हैं और चलाते हैं। अब यहाँ पे गाइस देख रहे हैं आप कि जो कि मैं अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ, जैसे कि सही तरीके से क्या जज करना है कि जो कि हमारा मिडिल पॉइंट है हम आराम से अपनी गाड़ी को चलाते हुए निकाल ले गए। अब यहाँ पे देख लीजिए मेरा मिडिल पॉइंट जो गाइस है मैं देख रहा हूँ, जब जज करके मैं निकल गया आराम से वो ऑटो निकल गई। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को सही तरीके से चला सकते हैं। अब राइट मुझे मुड़ना है, अब राइट वाला इंडिकेटर मैंने दे दिया है और सही तरीके से ये गाड़ी आ रही है, अब इसको निकल जाने देंगे और आराम से हम अपनी गाड़ी को इस तरीके से मोड़ के निकल जाएंगे। तो गाइस, जब हमें पता हो जाता है कि हमारा लोकेशन क्या है, हमारा जजमेंट क्या है, तभी हम अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस, जब आप गाड़ी चलाएं सिंगल रोड हो या मान लीजिए कि ट्रैफिक वाली रोड हो, तो आप अपनी गाड़ी को अपने स्पीड के अकॉर्डिंग जितनी आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं उतनी स्पीड में आप अपनी गाड़ी चलाएं। क्योंकि गाइस, गाड़ी भगाना एक अलग चीज है और गाड़ी का
सही तरीके से लोकेशन लेनी एक अलग चीज है। तो गाइस जब भी आपको गाड़ी चलानी हो, स्पीड में बढ़ानी चलानी हो या ना चलानी हो, स्पीड में आपको नॉर्मल तरीके से चलानी है, तो आप अपनी गाड़ी में एक मिडिल पॉइंट जरूर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का मिडिल पॉइंट लगा लें और अपने हिसाब से कि हमारी गाड़ी का इस तरीके से यहाँ पे हमारा जजमेंट मिल रहा है, तो आप अपनी गाड़ी को सही तरीके से आप चला सकते हो। और गाइस मैं ये कहूँगा कि आप जितनी आराम से गाड़ी चलाएं, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और दूसरे को भी सुरक्षित सेफ रखें। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आप मुझे इजाजत दीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।